नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। धार जिले के धर्मपुरी में नगर व्यापारी संघ द्वारा साई मैरिज गार्डन में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष की तरह किया गया, जिसमें कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर सेवाएं देने वाले डॉक्टर, समाजसेवी और 108 एम्बुलेंस के पायलट कुलदीप जाट सहित अन्य कोरोना योद्धाओं का सम्मान शॉल श्रीफल देकर किया गया। अमित कुमरावत, नगर व्यापारी संघ अध्यक्ष। आज हमारे यहाँ वार्षिक मिलन समारोह जो बैठक होती है उसका आयोजन किया गया। इसमें कोविड के समय में जिन डॉक्टरों ने यहाँ पर बहुत तन से मन से सेवाएं दी, उनका हमने स्वागत किया, अभिनंदन किया। और साथ ही जो हमारे डायल 108 के हमारे ड्राइवर और स्टाफ है, उनका भी हमने सम्मान किया। और इसी प्रकार हमारा वार्षिक सम्मेलन है संपन्न। बैंक के रिकवरी एजेंट बनकर युवक से दोपहिया वाहन और 75,000 की ठगी की वारदात देने वाले के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य मामलों में प्रकरण दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आज दिनांक 1 अमित पिता जगदीश निवासी बाणगंगा का फरियादी है, जिसने एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 26/11/2021 को वो पाटनीपुरा नेहरू नगर पर एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आए और उनके द्वारा बताया गया कि आपके पास जो अजय आपके दोस्त की मोटरसाइकिल है उसका किस्त फाइनेंस आपने जमा नहीं की गई है, जो किस्त आपको ऑफिस में जमा करना है, चलो हमारे साथ, और ऐसा बोलकर ले गए और उसके बाद उसको छोड़ के चले गए, मोटरसाइकिल ले गए। बाद में उसके अजय दोस्त से 75,000 रुपये उसके मोबाइल पर गूगल पे के जरिए डलवा लिए, जिससे फरियादी के साथ धोखाधड़ी की गई है। शिकायत वाद पत्र पर की जांच पर से आज धारा 420 406 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। तीन लोग अज्ञात लोग हैं मोटरसाइकिल पर। आपका परिचय? SI प्रेम सिंह टैगोर, थाना MIG। महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले मामले में 3 पीड़ित महिलाओं की शिकायत के बाद पति, सास ससुर पर दहेज के लिए मारपीट और प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस ने अलग अलग 3 प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज महिला थाने पर 3 महिलाओं ने अपने पति व ससुराल वालों के खिलाफ FIR पंजीबद्ध कराई है। तीनों ही महिलाओं का कहना है कि उनके पति उनको कहीं ना कहीं और ससुराल वाले उनके साथ मारपीट करते, गंदी गंदी गालियां देते हैं और दहेज के लिए उनको प्रताड़ित करते हैं। एक अपराध में 2 लाख की और सेकंड में भी 2 लाख की और थर्ड में 3 लाख की मांग की है उनके पति ने। एक का नाम सुनील है, एक का अनुराग पांडे है और एक का नाम महेश। 1983 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को मिली ऐतिहासिक विजय पर बनी फिल्म 83 रिलीज हो चुकी है, जिसे देशवासी बड़ी संख्या में थिएटर पहुंचकर देखने जा रहे हैं। इस फिल्म में अभिनेता रणवीर सिंह 1983 वर्ल्ड कप के नायक रहे कपिल देव की भूमिका निभा रहे हैं। गुरुवार को राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट स्थित रंग महल सिनेमा में पूर्व भाजपा विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह मम्मा के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल सलीम सहित सैकड़ों भाजपाइयों ने 83 फिल्म को देखा। ये 1983 में पहली बार भारत जो है क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था और वो एक तरह से भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण था और उसी पे जो है ये 83 फिल्म बनी है, जिसमें देश के प्रख्यात कलाकार हैं वो काम कर रहे हैं और निश्चित ही ये फिल्म लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करती है। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई सभी कार्यकर्ता मिल के इस पिक्चर को देखें और जो देश प्रेम की फिल्में बने उनको प्रोत्साहन भी करना चाहिए। आप लोगों अरे कुछ नहीं यार, वो तो हम लोग समता पे बैठते ही हैं, तो अब वो भाई देखो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका भी काम है कि लोगों से अपील करें कि मास्क लगाएं या नियमों का पालन करें। तो वहाँ बैठे थे, मैं तो क्या है शकरकंद खा रहा था इसलिए मास्क लगाए हुए था। पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के रुकने के बाद अब भाजपा नेताओं में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। भाजपा के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्या प्रतिमा पर पहले माल्यार्पण किया, फिर वहीं प्रधानमंत्री मोदी के रुके काफिले को लेकर पंजाब सरकार पर नाराजगी जाहिर की, साथ ही PM मोदी के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया। देखिए जैसा कि मैंने बताया ये घटना बहुत बड़ी है, तो ये लग तो वैसा ही रहा है, मगर हमें पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी पे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे और पंजाब के नागरिकों पे कि वो इस तरह का माहौल नहीं बनने देंगे।
बंगाल में तो बांग्लादेशी लोग बहुत बड़ी संख्या में आके अराजकता फैलाते हैं, यहाँ पर वो स्थिति तो नहीं है। और पंजाब के जो हमारे सिख भाई हैं वो अपने आप में इतने सशक्त हैं, इतने दमदार हैं कि वो इस तरह की घटना नहीं होने देंगे। इसलिए मेरा अगर आप पर्सनली मत लें तो पंजाब में वो स्थिति नहीं बन पाएगी जो कलकत्ता में, उसके बावजूद ये घटना बहुत गंभीर। देश भर सहित आगर मालवा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु जीवन की कामना के लिए पूजन अर्चन का दौर जारी है। यहां जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध प्राचीन और चमत्कारिक मां बगलामुखी मंदिर में भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए हवन अनुष्ठान किया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रेम मस्ताना सहित भाजपा पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस अनुष्ठान में शामिल हुए। श्री विष्णु दत्त शर्मा के निर्देशानुसार आज मां बगलामुखी के दरबार में नगर और ग्रामीण के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना को लेकर एक हवन किया, जिसमें यहां पर उपस्थित समस्त पंडितगण, सारे गुरुजन और सारे कार्यकर्ताओं के द्वारा सामूहिक रूप से हवन उनकी दीर्घायु की कामना को लेकर किया। हराना में मंगलवार को श्री श्याम मित्र मंडल के तत्वाधान में बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर परिसर में शाम को स्थापित श्री खाटू श्याम जी महाराज की प्रतिमा के सम्मुख एक भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में उज्जैन से आई भजन गायिका अक्षिता चौहान, दीपक शर्मा एवं सतीश अग्रवाल ने श्री खाटू श्याम की भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर मौजूद श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। बढ़ते कोरोना को देखते हुए कसरावत नगर में मकर संक्रांति तक संचालित होने वाला श्री गांगलेश्वर महादेव मेला अचानक निरस्त करने का आदेश हो गया। गुरुवार को नगर पंचायत के वाहन से प्रशासन द्वारा मेले को निरस्त करने की मुनादी कराई। मुनादी सुनते ही मेला व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में मेला व्यापारी SDM कार्यालय पहुंचे और SDM संघ प्रिय से गुहार की। आपका सर अचानक से हमको बोल रहे हैं कि मेला खाली कर दो। सर ये तो रनिंग मेला है और हम लोग अभी आज माल लगा के चालू किए, अभी अचानक से मेला बंद हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। ये किसके माध्यम से आपको बताएगा कि मेला बंद करने का? अभी जो है नगर निगम जो है डायरेक्ट अभी कचरे की गाड़ी लेके मेले में घूमी अचानक से। तो क्या अनाउंसमेंट किया उन्होंने? उन्होंने अनाउंसमेंट ये किया कि आप फटाक से कल तलक में दुकान खाली करके भाग जाओ अपने घर। मेला को निरस्त किया जाए। आपके SDM साहब से बात हुई? अभी नहीं सर, हम उसके लिए आए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं अभी? सर हम ये कहना चाहते हैं कि जो है 16 तारीख का जो परमिशन है यहाँ से भाई रनिंग है और 16 तारीख तक ही हमको मेला चालू रखने दीजिए। हम लोगों का सहयोग यही है, व्यापारियों का, कोई कच्चा माल लेके आया, कोई कैसा आया है, सभी यहाँ पे, बस हमको 16 तारीख तक का जो है मेला चालू रखने का। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।